दिवाली खत्म होते ही हुकूमत कायम करने की कवायद महाराष्ट्र में तेज हो गई है। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार कायम हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एनडीए से मुखातिब होने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी। मीटिंग में शिवसेना से बात करते वक्त ये फैसला लिया जा रहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनने का फॉर्मूला नहीं निकलता है तो वहां अलमत की सरकार हो सकती है। तो वही बीजेपी ने ये भी कहा कि अगर शिवसेना उनका साथ नहीं देगी तो फिलहाल बीजेपी अकेले ही अपनी हुकूमत महाराष्ट्र में कायम करेगी। बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह शिवसेना के दबाव में आने को तैयार नहीं है और वे शिवसेना को 14 से ज्यादा मंत्री ओहदा देने के लिए राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसी हालत में अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो उसके बाद शिवसेना पर अंदरूनी दबाव ही बढ़ेगा और तब फिर से बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। बहरहाल महाराष्ट्र में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना बीजेपी का साथ देती है या फिर नहीं। मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद एहतेशाम, दिल्ली।